मस्कीन का जो कैरेक्टर था जी उसमें आपका क्या इनपुट था, क्योंकि आपने अभी इतनी लंबी तमीज बांधी कि हर बंदा अपनी सोच लेके आ रहा है, हाँ राइटर ने बिल्कुल एक क्रिएट किया है कैरेक्टर, डायरेक्टर अपनी एनर्जी डाल रहा है, स्क्रिप्ट अपनी एनर्जी डाल रहा है, हाँ। और फिर अली सफीना अपनी एनर्जी डाल रहे हैं। मैं देखिए मैं तो यूजुअली डायरेक्टर एक्टर हूँ, मेरे जितने राइट डायरेक्टर्स हैं वो सारे यही कहेंगे कि जो सफीना को बताते हैं सफीना वही कर लेता है। फॉलो करता है, राइट और ज़्यादा मेरी वो नहीं होती कि जैसे ओ भी मेरा बड़ा पक्का यार है, ओ भी हमेशा स्क्रिप्ट को पकड़ के हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल यूं यूं ये तो यूं होना चाहिए डिस्कस करता है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक इतने कोई लेयर्स वाले कैरेक्टर्स नहीं मिले कि उनको मैं डिस्कस करूं, यू नो यूजली बड़ा लिनियर टाइप एक ट्रैक होता है, ठीक मिस्कीन का है भी इसी तरह था, तो मिस्कीन के कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए आई एम श्योर वो मेरा कंसर्न, आई थिंक शायद दानिश भाई ने आप लोगों से बात करते हुए एक शेयर किया था कि पहले दूसरे दिन जब एपिसोड एयर हुआ हाँ तो मैंने उन्हें कॉल कर दी और वो कुछ रिव्यूज़ वगैरह मेरी नज़रों से गुजरे, कुछ लोगों ने मुझे भेजा कि यार ये देखो ज़रा क्या लिख रहे हैं लोग, हाँ तुम तो सही कह रहे थे। तो हाँ वो बात मैंने दानिश भाई से शेयर की, मैंने कहा यार दानिश भाई ये ना बैड सीन हो गया है मतलब क्या कि लगा स्टीरियोटाइप जो कर रहे थे नहीं, हर जमात स्टीरियोटाइप तो को? देखिए जी लोग हमेशा करेंगे, पहले जब उनको समझ नहीं आती ना वो पिछले हाँ किसी किरदार से जोड़ने की कोशिश करते हैं, राइट फिर वो उसको जब थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप होता है तो फिर वो स्टीरियोटाइप से निकल के वो उनको समझ आती है कि अच्छा नहीं ये उस तो एक अलग किरदार का भी चीज़ है, आर्च बनता जाता ना उसका थोड़ा भी सा आर्ट बहुत। बनता है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल तो डायरेक्टर जो हैं वो मेन बैकबोन होते हैं, तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा यार मज़े की बात ये है कि मैं इसी तरह फ्रेश उस टाइम पर मैं जिम शिम भी जा रहा था, करोना हाँ शरोना कुछ नहीं था, और ये पिछले साल की बात ये है, 2020 के फेब की बात फेब की है बात है ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छी मेरी उसमें मैं गेन्स और ये और वो, और मैं सेट पे पहुंचा हूँ और मुझे बड़ी हाँ खुशी है कि यार बड़े लाइक माइंडेड एक्टर्स हैं और हाँ बड़ी एक बेहतरीन बड़ा किस्म कूल सीन का होने वाला है। अंसाम्बल बन रहा है, हाँ और मैंने यहाँ तक नहीं पूछा, यानी आमतौर पे ये होता है ना एक्टर्स ये इस तरह पूछते हैं कि भाई ये मेरा लीड रोल है किस हाँ टाइप का है, तो जब ऑफिस में ये मुझे ऑफर हुआ तो मैं जाके उनसे सिर्फ एक्टर्स का पूछा और ये नहीं मैंने पूछा कि कौन लीड है कौन क्या है, मैंने कहा यार बेहतरीन ये तो कमाल एंसेम्बल है एंड डेफिनेटली इसका हिस्सा बनना अच्छी बात है, तो मैं तैयार होके गया कि भाई सामने ये सारे जिन ये होंगे, सब तो है। दानिश भाई आए, दानिश भाई ने यूं देखा मुझे कहते यार एक तो तू लंबा पड़ा है बैठ सर, मैं बैठ गया, तो यूं हाथ करके ना यूं बीच में से मांग निकाल दी, तो यूं किया ना मैंने कहा ऐसे क्या कर रहे हैं, कहते अरे कितना क्यूट लग रहा है यार तू, मैंने यही कहा है भाई लुक। मैं क्यूट आदमी हूँ प्लीज हाँ आपको हाँ क्या करूँ हाँ मेरे उनका आपस का मजाक मगर आपके करना बाल था लंबे थे उस पर, क्योंकि अभी जो आपका कट है इस पे आपकी सीधी मांग नहीं हो सकती। नहीं, एक्चुअली वो बड़े तरीके हैं करने अच्छा के, हाँ अभी तो ओके मैंने बाल कटवा दिया ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि मेरा एक नया प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो आइंदा ना चुका कोई है, मेरे साथ ये करे। हाँ नहीं उस टाइम पे ये था कि यू नो एक अलग फ्रेश ऑफ कट करवाया कोर्स था, हाँ यू नो राशिद हैड डन हिज मास्टरी, यू राइट नो राइट राशिद के बॉय ये तू तेरी लुक बड़ी अच्छी फेस कट हाँ अच्छा, तो मैं वो फेस कट लेके चला गया, वो आगे से ऐसे करके। अच्छा उन्होंने यूं किया तो मैंने कहा यार दानिश भाई कहते अरे रिलैक्स ब्रो, मैंने कहा यार पता नहीं लोगों को ऐसी चीजें अब समझ आती हैं नहीं आती, तो खैर हमारी कॉन्वर्सेशन हुई ऑफिस में उससे पहले जब मैं था तो उन्होंने बताया कि भाई ये सादिकाबाद से ताल्लुक है, तो मुझे ये पता था कि वो मुल्तान से करीब एक जगह है और सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे है जिधर लोग जो हैं सरायकी में भी बात बात करते हैं करते हैं उर्दू में बिल्कुल ज़्यादा बात करते हैं बिल्कुल। और सिंधी इन्फ्लुएंस भी है, तो और उन्होंने कहा कि ये घर दामाद है, तो घर दामाद टाइप मैंने कैरेक्टर्स बहुत सारे देखे हुए थे बेतहाशा फिल्मों में राइट और यू नो ड्रामाज ड्रामों में भी में एब्सोल्युटली। और रियल लाइफ में भी बहुत सारे इस तरह के लोग अच्छा हैं यू नो रियल ऑब्वियसली लाइफ हैं, मिस्कीन है आपके नहीं मेरे इर्द गिर्द तो नहीं मगर मैंने देखे हुए हैं ना, यानी कोई? आई ठीक मीन इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपकी होती है है ऑब्वियसली हाँ एज एन एक्टर के आप देखते हो कि अच्छा यार ये बंदा सही ज्यादा बिल्कुल यू नो उस टाइप के एक स्ट्रक्चर के अंदर है जिधर डोमिनेटिंग जो इर्द गिर्द के लोग वो ज्यादा डोमिनेटिंग है उस पर, राइट राइट तो वो चीज मुझे बड़ा अच्छा एक डायनामिक लगा, मैंने कहा अच्छा इस बंदे की अलग से एक यू नो सॉर्ट ऑफ जगह बन जाएगी इस पूरी बिल्कुल एंसेंबल कास्ट में, बिल्कुल तो जब उन्होंने वो लुक बनाई तो मेरा नेक्स्ट था मैंने कहा यार ये इसकी बीवी इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ तो मैंने कहा अच्छा हाँ कोई क्लैश है, यू हाँ नो डायरेक्टर ने समझाया कि हाँ यार ये जरा क्लैश आ रहा है अच्छी चीज लगेगी जस्ट ट्रस्ट मी, हाँ हाँ तो मैंने कहा ठीक है भाई जान आपको ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल मगर वो बिल्कुल। पहले दिन जब रिव्यूज आए तो मैंने कहा अरे यार तो ये क्या तो हेल्प आपको लग रहा क्या है हाउ आपको सेल्फ लग क्या रहा क्या है डिस्टर्ब किया रिव्यूज का?
मुझे यही था, देखिए आपको ये होता है कि आपके पहले एक दो एपिसोड के अंदर ही आपके पास मार्जिन होता है कि आपका कैरेक्टर आप रजिस्टर करवा लो कि आपका कैरेक्टर है क्या। बिल्कुल। तो अगर तो ये एज हाउस हेल्प रजिस्टर होता तो फिर वो उसका आर्क बिल्कुल अलग हो जाना था, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर फिर उस तरह नहीं था। जबकि स्क्रिप्ट में एक चीज ये थी कि ये हड हराम है, ये काम चोर है, जिसकी वजह से बीवी के इसके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, यू नो। लेकिन डायरेक्टर साहब ने इसको ऐसे बनाया कि इसके अंदर हमने ऑब्वियसली वो डिस्कशन इतनी हो चुकी थी कि वो सीन जब तक आए तो हम लोग वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे थे कि स्क्रीन को कोई ना कोई बिजनेस दिया हुआ था कि वो हमेशा कोई ना कोई काम कर रहा था, यानी कभी किचन में है तो बर्तन धो रहा है, कोई ना कोई किसी की इस्त्री कर रहा है, बिजी रहता था, बिजी रहता था। और वो घर पे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज फिर आगे जाके उसने अपना वेट पकड़ा, आगे उसने बड़ा मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया। हाँ जी, कि वो उसने अपनी जगह पकड़ी कि यार ये जो है ये एक बड़ा काम का बंदा है जो कि अपनी बीवी की मोहब्बत में आके परहैप्स ये सब कुछ कर रहा है, और घर उसके उसने अपने ससुराल के अंदर एक खास जगह बनाई हुई है, और जिसकी वजह से वो जो घर वाले हैं उसके लिए ये कोई अलग बंदा नहीं है, ये घर का बंदा है, तभी हर बंदा जो है इससे फ्रैंक है। तो आई यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू मेक मिस्कीन अ लवेबल कैरेक्टर रादर देन अ कैरेक्टर जिससे लोगों को चिढ़ो, यू नो। एंड देन देयर वाज दिस नैरेटिव पता नहीं कहीं से एकदम खड़ा हो गया था, बतंगड़ बन गया था कि जी मिस्कीन जैसे कैरेक्टर्स की वजह से लोग जो है वो घर दामाद नहीं बनना चाहते। हाँ, बल्कि बड़े ग्रुप के ऊपर भी इस तरह की बात हो रहा था कि जी घर दामाद जो है वो बिल्कुल उसको रगड़ा जाता है उसका भी, लाइक जी, जबकि ऐसा नहीं था, हमारी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं थी। हमें तो ये था ना कि हमें तो घर के फर्द की कहानी दिखानी थी, यू नो, क्योंकि हर कैरेक्टर का अपना अपना एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक वही अगेन आर्क वाली बात है, कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, यू नो। तो जबकि जबकि ये जो मेन स्टोरीज तो इन दो कपल्स की थी, ठीक है, राइट। और लेकिन गुल एंड मिस्कीन प्लेड अ वेरी मॉन्यूमेंटल रोल। हाँ जी, गुल का तो बिल्कुल था, एंड गुल की वजह से मिस्कीन का भी था बिल्कुल। तो बाल तो आपके दे दिए दानिश नवाज ने। हाँ। उसके अलावा आपने व्हाट डिड यू पुट, व्हाट वाज योर इनपुट इन द कैरेक्टर, आई थिंक वार्डरोब, गेटअप, सारा हर चीज। आई थिंक कैरेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो डायलैक्ट आपको लेके आना होता है, यू नो, आपने जो एक्सेंट पकड़ना होता है ना। आई न्यू ऑब्वियसली हम सबके इर्द गिर्द बहुत सारे सरायकी स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन वो वाली सरायकी नहीं है जो उधर बोली जाती है, तो मुझे उससे जरा करीब जाना था, मुझे जरा मुल्तान के करीब जाना था। अब गुड थिंग वाज कि मैं पैदा मुल्तान में ही हुआ हूँ। अच्छा। यस, बट आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, मगर मुझे सरायकी ना मैंने बोली नहीं, और कभी मेरे कोई सरायकी स्पीकिंग फ्रेंड्स नहीं रहे, तो मुझे ना मेरा इतना टाइम मुल्तान में गुजरा। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ 6-8 दिन के लिए मैं मुल्तान गया, और उधर जाके मैं लोगों से कुछ से मिला। यस, आई डिड दैट होमवर्क, आई हैड टू डू दैट होमवर्क, यू नो, आई हैड टू पिक अप वर्ड्स लाइक यू नो धाड़ो धाड़ जो है वो मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना था, या स्क्रिप्ट का वो हिस्सा नहीं था, यू नो, या बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो फिल्मदी बाद में फिर आना शुरू हुई। बिल्कुल। जब आप एक कैरेक्टर को ओन कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें फिर आपके अंदर से खुद ब खुद आती हैं। तो उस टाइप की चीजें हुई जो कि अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी हुई हैं, यू नो, लोगों को वो मायूब नहीं लगी। तो मुझे ये एक्सेंट पे काम करना पड़ा। उज्मा जी वाज अ बिग हेल्प ऑन द सेट। फिर हमारे जो एमन है, एमन के साथ जो उनकी हेल्प आती थी वो भी गालिबन सरायकी बोलती थी। तो जिधर हमें कोई सरायकी स्पीकिंग बंदा मिलता था हम लोग कोशिश करते थे, उज्मा जी मुझे बताती थी कि सफीना आप यू नो एक्सेंट, और ये बड़ा जरूरी है बिकॉज कई दफा हम लोग एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक ट्रेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मगर उस पर होमवर्क नहीं कभी भी हुआ होता। नहीं, आई थिंक बहुत होमवर्क हमने तो, मुझे यूजली तो अपने हर कैरेक्टर में करना पड़ता है। डायरेक्टर के साथ बैक एंड फोर्थ मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है, कॉमिक कैरेक्टर्स हो या सीरियस कैरेक्टर्स हो, क्योंकि थिंग इज कि मैं कॉन्स्टेंटली एक ऐसी आई फील ऐसे स्पॉट में हूँ अपने करियर में कि मुझे हर बार प्रूव ही करना पड़ता है, you know? You feel that way, Ali? Absolutely. Really? Because हमारा competition बहुत tough है. Don't you think you're like a pro now, especially when it comes to comedy? I mean, आपने इतने super hit 3 serials में काम किया है.
आई थिंक वो अपने आप को आपने वो भी तो रखना पड़ता है ना, आप हर बार एक ही तरह का काम भी नहीं कर सकते ना, ये भी है। तो आपने नए तरीके का काम अगर आपने करना है, मेरा सबसे पहला ये तो ड्रामा की बात है, अगर मेरी आप वीजेइंग देखे तो वो भी मोस्टली मेरी कैरेक्टर बेस्ड थी, यू नो, और उसमें भी मैं कॉमिक का यू नो कॉमेडी का बड़ा यू नो हेल्प लेता था अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड यू नो व्हाटएवर like Milkshake for that instance 10 years ago yeah. you know before Taka was born yes. there was Milkshake right. I was dressing up as a character and going to all these different people yeah. dressing up as the Arab journalist yes. who's come from Hummus Televizyon you know and you know I used to pull off you know pranks and pura pura episode so you know acting has always been my passion.